सपोज अगर इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, तो मैं ए को मैं लिख सकता हूं, ए हमारा हो जाएगा 1 2 3 6, और कैपिटल एक्स मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी एक्स वाई, और बी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 5 8। सो यहां से हम डिटर्मिनेंट ए, मैं अगर इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 6 1 2 3 6। यहां से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ जाएगी 0, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनकंसिस्टेंट।